हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर में फोल्डर को कैसे लॉक किया जाए। फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट फाइल है जो खास करके बनाया गया है फोल्डर को लॉक करने के लिए। फ्रेंड्स, कई कई बार आपके लैपटॉप हो या फिर कंप्यूटर हो, उसमें कई सारे फोल्डर होते हैं। उसमें कुछ फोल्डर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर कई बार कुछ सेंसिटिव डेटा भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि आपके सिवा और दूसरा कोई एक्सेस ना कर पाए और दूसरा कोई यूज़ ना कर पाए, आप उसमें पासवर्ड सेट करना चाहते हैं या फिर आप उस फोल्डर को हाइड करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आप ये सब आसानी से कर सकते हैं एक फ्री सॉफ्टवेयर की मदद से। इसका नाम है फ्रेंड्स एनवी फोल्डर लॉकर। तो फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इसे यूज़ करना आना चाहिए। अगर आप थोड़े से भी मिस्टेक कर जाते हो तो यहाँ आपका जो फोल्डर है वो लॉस्ट हो सकता है या आप अपने पासवर्ड भूल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस सॉफ्टवेयर की बहुत अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, तभी आपका फोल्डर जो है वो लॉक हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, फोल्डर लॉक को डाउनलोड करने के लिए तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना होगा और वहां पर आके आपको सर्च करना होगा एनवी फोल्डर लॉकर। और फ्रेंड्स, सर्च करने के बाद गूगल पे जो पहला वाला ऑप्शन आएगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। और फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। देखिए, फाइल इन्फो वेबसाइट है और यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर क्लिक करके फोल्डर डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्लिक करके। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये डाउनलोड हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, डाउनलोड हो रहा है, कुछ 14 MB का फाइल है, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल तो मैं अभी इसे पॉज कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स, डाउनलोड हो जाने के बाद हम इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, तो उस पर आप डबल क्लिक कीजिए, देन यहाँ पर यस, एंड देन यहाँ पर नेक्स्ट इंस्टॉल। देन यहाँ पर फिनिश। फ्रेंड्स, अब हमारा इंस्टॉल हो गया फोल्डर लॉकर, तो अब हम इसे आपको ओपन करके दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब ध्यान रखिए, यहाँ पर जो आपको पासवर्ड देना है वो केस सेंसिटिव पासवर्ड, मतलब बहुत ही अच्छा पासवर्ड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं अपना कोई भी पासवर्ड देके आपको दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर आपको अपना मेल आईडी देना है, अगर आप फ्यूचर में कहीं पासवर्ड भूल गए तो मेल आईडी से आप रिकवर कर सकते हैं। एंड देन फ्रेंड्स, मेल आईडी देके यहाँ पर आप ओके पर क्लिक कीजिए, ऑन हो गया। तो यहाँ से आपको क्लिक करना क्या है, यहाँ पर जो ऐड का बटन आ रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। ऐड पे जब क्लिक करेंगे आप तो आपके फोल्डर शो होने लगेंगे। तो मैं यहाँ से आपको कोई भी फोल्डर, किसी फोल्डर को लॉक करके दिखा देता हूँ। तो सपोज मैं यूट्यूब पिक्चर को लॉक करने वाला हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करके और ओपन पे क्लिक कर दीजिएगा, देन यहाँ पर तक लॉक हो गया। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर आप इसे हाइड और लॉक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर अनप्रोटेक्टेड हाइड, सिर्फ हाइड भी कर सकते हैं या फिर सिर्फ लॉक भी कर सकते हैं या फिर आप रीड ओनली भी कर सकते हैं, हाइड एंड लॉक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रखूँगा पासवर्ड को। तो फ्रेंड्स, आप जब हम पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, मतलब जो आपने पहला वाला जो पासवर्ड दिया वही पासवर्ड रखना चाहेंगे या फिर कस्टम पासवर्ड या फिर कोई नया कोई पासवर्ड रखना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रखना चाहूँगा, मतलब मैंने जो पासवर्ड दिया था। तो अगर आप कोई कस्टम पासवर्ड रखना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो देन यहाँ पर आप ओके कर दीजिए, देन आपका फोल्डर प्रोटेक्टेड हो गया। तो जो फोल्डर मैंने प्रोटेक्ट किया था, तो आप देख लेते हैं कि वो फोल्डर प्रोटेक्ट हुआ हुआ फोल्डर था मेरा ए वाला। तो यहाँ जब मैं इस फोल्डर पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर पासवर्ड जो होने लगा। और अब मैं इस पासवर्ड को देखे इस फोल्डर को ओपन करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा फोल्डर ओपन हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, जब आप उस फोल्डर को क्लोज करेंगे तो क्लोज करते टाइम यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि डू यू वांट टू रिस्टोर योर एप्लीकेशन। तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना है। अगर आपने नो पे क्लिक किया तो इन फ्यूचर जब आप वो फोल्डर ओपन करेंगे तो कोई भी पासवर्ड नहीं मांगेगा। तो आपको ये ध्यान में रख के यस पे क्लिक हमेशा करना चाहिए। आई होप गाइस कि आप समझ गए होंगे कि फोल्डर को कैसे लॉक किया जाए और इस फोल्डर लॉकर को कैसे यूज़ किया जाए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।